आपका वो आफ्रोसरों का ज्यादा ठंड होने की वजह से देखे ना, मेरा आँख पे ऐसा हो जाता है फेस वॉश करते हुए। मुझे छाता मिल गया है एक, वो भी पुराना सा है, देखते कैसा है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज तो मुझे फिलहाल तो ड्यूटी जाना है अभी, तो मेरे जैकेट को इग्नोर मारिए क्योंकि मेरा जिप क्या पता नहीं कैसे बिगड़ गया है, अपने आप बिगड़ गया है। सो इसको इग्नोर मारते हैं। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और बाहर में धूमधाम से बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। सो आज मैं बाइक पे नहीं जाऊँगी, टैक्सी पे जाऊँगी। पता नहीं मेरे पास छाता भी है या भी नहीं, देखते। And I guess those who are new to my video, don't forget to subscribe my channel. तो मेरा दाल तो पक गया, खाना इसमें अब पक गया है। सूर्या मतलब इसी की वजह से ना मुझे अकेला फील नहीं होता है यहाँ पे अपने रूम में। सो मुझे ऐसा फील होता है कि कोई भी मेरे साथ है। सो बिकॉज ऑफ देम चलो आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बाहर में एज यू कैन सी यहाँ पे देखो बारिश हो रहा है, अभी थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन मॉर्निंग के जब मैं उठा ना इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना। बस फिर ऐसे वेदर में बाइक में नहीं जा सकती हूँ आज, समर में होता ना तो जा सकती लेकिन अब बहुत ठंड है ना, तो इसलिए आई डिसाइडेड टू गो बाई टैक्सी। सो चलो मुझे रेडी हो रहा है, मुझे अभी बैठ के रेडी होना है। देखो गाइस ये मेरा जीप नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं इसका, व्हाट टू डू नाउ। ना जाम हो गया ना, बाप रे, ना टाइट कैसे हो गया, अपने आप बिगड़ गया ना। मॉर्निंग पे मैंने जब लगाया था ठीक ही था लेकिन अचानक से बिगड़ गया। ये देखो एक साइड ही खुल गए, एक साइड ऐसे ही है, खुल गया हो गया। सो यस गाइस फाइनली मेरे जैकेट का जिप खुल गए, पता नहीं कैसे बिगड़ गया। सो यस गाइस मैं अभी वॉशरूम पर हूँ, सुनना है। और ये रहा मेरा टूथब्रश, और आज तो ये रहा मेरा धोने का कपड़ा जिसको मैंने कॉल को धुलाया था, जो मैंने पहले के दिन धुआ था ना वो आज बहुत अच्छे से बाहर में भीग रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो इसका मैं बाद में आकर दूँगी। तो इसका मैं अभी फ्रेश होंगी। बहुत ठंड है बाहर में, पता नहीं कैसे हो गया। ज़्यादा ठंड होने की वजह से देखे ना मेरा आँख पे ऐसा हो जाता है फेस वॉश करते वक्त। थारा एंड डन, सो अभी चलते हैं। जूता पहन लो, हाँ
मुझे तभी मैंने जस्ट पॉलिश किया है ना, तो अभी इसको थोड़ा ब्रश मारना है। Yes, done with the shoes. तो यस गाइस, अभी थोड़ा सा इसमें सवरने का वक्त टाइम तो मैं उतना तो नहीं लगाई थी, जस्ट सनस्क्रीन और ये मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ। तो ओके गाइस, मिलते कुछ देर बाद। एंड गाइस, ये चिकन का पिकल है जो मैंने कुछ दिन बाद मतलब पहले बनाया था, सो मैं इसको ऐसे खाने वाला हूँ। मैंने इसको क्यों बनाया, क्योंकि ऐसे काम पे जरूरत पे काम आएगा ना, जिनको जब नहीं सब्जी बनाना नहीं टाइम नहीं मिलेगा, तो ऐसे इसके दाल के साथ खा के खाना चाहिए, इसलिए मैंने बनाया है। सो मैंने आज सिर्फ दाल बनाई है और इसके साथ खाऊंगी। एंड ये देखो गाइस, मेरा चिकन कटकर है अच्छा अच्छा मैंने बनाया है, और इसका रेसिपी ना सब मैंने अपने पापा से सीखा है। जब मैं पुलिस ट्रेनिंग में था ना, उसी वक्त मेरे पापा ऐसे बहुत पिकल्स बना के लाया करते थे, सो मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है ना ऐसे। सो बात ज़्यादा हो रहा है, देर भी हो रहा है मुझे ड्यूटी के लिए, तो इसको मैं ऐसे खा के जा रही हूँ। ये लोग गाइस, मेरा खाना अभी रेडी हो गया है, तो फिलहाल मैं इसको खा के जल्दी खा के जाना है। मैं इसको ख़त्म करने वाली हूँ, ये बहुत स्पाइसी था ना पिकल। सो यस गाइस, अभी मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, और मैंने अभी तक ना मुझे अपना छाता नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ पे होगा है, मुझे पता भी नहीं है कि आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास छाता भी होगा, इतना बारिश हो रहा है बाहर, मैं कैसे जाऊँ। तो खाना भी खा लिया है पेट भर के। सो यस गाइस, अभी निकलते हैं। ये रहा खाना मेरी लवली स्किन। ओ गॉड, मुझे इसका ये भी साफ करना है, नहीं कब मैं इसका साफ करूँगी, भूल जाती हूँ ना ज़्यादातर। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से खाना, बाय बाय। मम्मी अभी ड्यूटी के लिए जा रही है, ठीक है, बाय बाय, ठीक है। मुझे छाता मिल गया है एक, वो भी पुराना सा है, देखते कैसा है। थैंक गॉड, ये अच्छा ही है, मैं इसको ले जा सकती हूँ आज। देखो ये भी ना, खास में ना लास्ट ईयर तो मेरी मम्मी ने आती वक्त इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये पुराना था ना, सो उसने इसे छोड़ दिया था, मैंने इसको रखा था, क्योंकि मुझे उस टाइम भी याद आया ना कि कभी मेरे पास छाता नहीं है, तो कभी कभी मुझे भी काम आ जाएगा, इसलिए तो आज आ रहा है। सो ठीक है, इस बात ज़्यादा हो रहा है, तो अभी निकलते यहाँ से, देर हो जाएगा वरना तो। बाय बाय। तो वहाँ पे दिख रहा है ना, दैट्स माय क्लोथ, देखो मेरा कपड़ा कैसे दिख रहा है। Okay, let's go. देखो रोड का हालत ऐसा है, टैक्सी मिल जाए जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पे टैक्सी रेस करना है, तो फिर उसको डाक्टर यहाँ से निकलना। सो इस गाइस, मैं टैक्सी से बाहर आ गया हूँ, तो मुझे यहाँ से नीचे जाना है पाजी स्टेडियम से। बाप रे, स्टिल रेनिंग, ना ठंड है, बहुत ठंड। वैसे तो अभी विंटर ही है, प्लस ऐसे बारिश होता है ना, तो बाप रे इतना ठंड होता है, अब लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ठंड हो रहा है सच में। विंटर प्लस रेन कॉम्बो इज वेरी डेंजरस। तो अभी मैं चल रही हूँ, चलते जा रही हूँ। चलो भाई चलो, आज तो हीटर छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, मुझे पता है पहले से। स्लिप हो रहा है ना ऐसे चलने में भी। ये देखो सारा घर यहाँ पे पार्क करता है,
देखो देखो क्या वो बाढ़ से ठंडा हुआ, कितना ठंडा हुआ, जा रो है रे बाबा। सहगे सभी में पहुंच गई अपनी ड्यूटी की जगह पे, तो मिलते हैं बाद में छुट्टी होने के बाद। बाय बाय। ठंडा का मौसम। तो फाइनली फाइनली पहुंच गई। किसी ने यहाँ पर लिखा था देखो, बदमाश बच्ची यहाँ पे ठंड। चलो खोलते हैं। घुमाते हैं पहले पहुंच गए। दरवाजा बंद करो। सो यस गाइस, आई एम बैक। तो ड्यूटी भी खत्म हो गया, प्लस आज का दिन भी ऐसे ही चला जाता है। ठंड में बहुत ठंड था ये। तो अभी मैं कुछ खाती हूँ, थोड़ा सा बहुत ठंड लग रहा है। सो यस गाइस, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।